हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एसएससी एमटीएस का जो री एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों, कुछ सेंटरों पर ये लीक हो गया और ये जो डिक्लेयर होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया ये एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जो 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ सेंटर के नाम दिए हुए हैं जैसे ध्रुव डिजिटल सर्विस, ये दिल्ली का एड्रेस है। इस वाला जो ये वाला जो सेंटर है दोस्तों, ये वाला एग्ज़ाम, इसके सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। और एक नीचे दिया जो 15 तारीख को हुआ था दोस्तों, पेपर 12 से 15 के बीच। तो कुछ कैंडिडेट के नाम हैं और जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। और एक ये दोस्तों दिया हुआ है एड्रेस, इन्फोटेक सोल्यूशन, ये है न्यू दिल्ली का ही है दोस्तों। ये भी लीक हो गया था और इसका री एग्ज़ाम होगा दोस्तों 24 तारीख को। जिनका जिनका दोस्तों कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, ये उनका होगा 24 तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ लिस्ट दी हुई है जिस पे आप उन कैंडिडेट के नाम भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पे क्लिक करके ऑफिशियल नोटिस फॉर एग्जाम कैंसिलेशन और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, तो इस पे इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड करके आप नाम देख सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर, एसएससी की वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं हुआ, तो आप एडमिट कार्ड उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको ये पसंद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।